तो गाइज ये वाला पैंट खरीदाया है रूपा का मार्केट में, मतलब मार्केट क्या जो विशाल हम लोग गए थे, 2 घंटे की मार्केटिंग में सिर्फ ये एक पैंट खरीदाया है, प्लाजो पैंट नहीं कौन सा है, जीन्स पैलरल जीन्स है जो हम लोग पहन के छोड़ चुके हैं, वो आज की जनरेशन पहनने जा रही है, फिर से शुरू हो गया। तो यही है ना गाइज, अब जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ और अपनी उसमें आरा टेरा मुँह बना रही है, बैटरी लो हो गया, तो उसमें अलग अलग एक्सप्रेशन दे रही है अपनी, मेरे लिए बनाने नहीं जाके बनाइए अब ना। ये सारा जो है ब्लॉग में डल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, और अपनी जब बड़ी हो जाएगी जैसे कि हम लोग हो गए हैं, तो अपनी अपना ही ब्लॉग देखकर बोलेगी अरे यार मैं कैसे करती थी, छी मैं ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन देती थी, तब अपनी को बहुत बुरा लगेगा। ऐसे ही होता है हर बच्चे के साथ। रूपा अपने घर जाने वाली है तो उसको वर्मिसेली खाना था, तो मैं वही आई हूँ किचन में वर्मिसेली बनाने के लिए। पानी उबलने डल गया है और ये है वर्मिसेली का पैकेट, तो मैं जा रही हूँ नाश्ते में बनाने। वैसे मैंने बहुत बार इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैं नहीं करूँगी आप लोगों को बोर नहीं करूँगी रेसिपी वगैरह बना कर फिर दिखाओ, और फिर ऐसे अगर आपको चाहिए, बहुत ही हेल्दी नाश्ता रहता है वैसे, अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं शेयर कर लूँगी आप लोगों से। चलिए पानी बॉयल हो गया, फटाफट से बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ लास्ट में बनाने के बाद। और अदिति आई है आज यहाँ, इसको मन नहीं लग रहा था, घर पे तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मन नहीं लग रहा था, अभी आई हुई है, तभी इन दोनों की ये नाश्ता बनाने जा रहे हैं। बना भी दीजिए ना। एक दिन के लिए गाँव जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर है, टोनर है, काजल है, सिंदूर है, एक छोटा सा क्लचर है, बिंदी है, लिपस्टिक है, पीच मिल्क और मेरा कॉम्ब। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रावणी पूजा के लिए हम लोग गांव जाने वाले, मम्मी एक दिन पहले चली गई थी, तो अभी हम लोग निकले हैं सुबह, लगभग जाने वाले थे 6:30 बजे लेकिन निकल रहे हैं 8 बज गया निकलते, और सब लोग अभी गाड़ी में ही हैं। भैया गया शॉप में कुछ कुछ चीज़ें लेने के लिए, जैसे कुरकुरे, दूध वगैरह, चिप्स वगैरह, तो गाड़ी में आ रहा है सामान लेकर। और ये रही हमारी अपनी दीदी कुरकुरे के साथ सुबह सुबह, और ये मिली है मेरे बेटा जी से, मेरे जीतू से, और गाइस इसका एक्चुअल नेम है अमृतेश अनुबोध, प्यार से मैं इसे जीतू बुलाती हूँ और बहुत सारे नाम से बुलाती हूँ, जनरली मैं जीतू ही बोलती हूँ, काना कानू बहुत सारा नाम है इसका। अपनी क्या बुलाती है, अपनी तो अमृतेश ही बुलाती है, तो इसका एक्चुअल नाम अमृतेश अनुबोध है गाइस, और मिली भाभी जी से, फोन दे रही हूँ उन्हीं के पास में। इसका नाम अमृतेश है, उसका नाम और पापा का नाम अमृतेश। आप अपने आप को दिखाइए ना, मेरी भाभी जी थोड़ी शर्माती है ब्लॉगिंग के टाइम पे, बोलिए ना। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. मम्मी बड़ा मजा आता है। मम्मा मैंने कहा था ना मुझे सुबह सुबह उठा देना। और भाभी जी मुझे धोखा दिए, बोली कि सूट पहनेंगे, बट वो साड़ी पहन ली चुपके से, मुझे पता नहीं चला, और फिर मेरा भी मूड हुआ बट टाइम निकल गया था तो नहीं पहन पाई। और क्या है ना कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे सब कुछ मैनेज करने में, तो वो भी एक रीज़न है, और मन भी लग जाएगा, स्लीप हुआ भी जा रही है साथ में। अब नहीं 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 हाँ, उसके बाद क्या है कि जाने से पहले दो चीज़ें बहुत कंपलसरी होता है, इनफैक्ट कहीं भी जाने से पहले दो चीज़ें बहुत कंपलसरी है, एक पेट्रोल और एक हवा चेक करवाना। और ड्राइव करते करते ये हम लोग पहुँच गए अपने गांव, ये हमारा घर है, गांव का नहीं बना पाई मैं ब्लॉग, मैं भूल गई एक्चुअली जब आ रहे थे तो। और ये हमारा घर, गाँव वाला घर, मतलब मेरी मम्मी का ससुराल और मेरा दादी घर, बाबा घर ऐसा, और मेरे बेटे का नानी घर। और ये रहा यहाँ पे व्यू, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये जो कार आप देख रहे हैं ये मेरे चाचा जी का है, और ये वाला घर चाचा जी का घर है।
तो पहुंच गए अभी यहाँ पे, लगभग एक घंटा लगता है मुजफ्फरपुर से यहाँ पे, मतलब साहिबगंज में है। मम्मी का ससुराल, मेरा दादी का घर और मेरे बेटे का नानी घर, एक्चुअल वाला नानी गांव जो कहते हैं ना वो, तो तीन चीज़ें एक जगह हैं। तो मैं ना पूरे घर का जो ब्लॉग है वो एक अलग से बनाऊंगी, होम टूर का वीडियो शूट कर लूँगी जैसे बीच में टाइम मिलेगा वैसे, और फिर आप लोगों को वो अलग से दिखा दूँगी। बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ का घर, और गाइस यहाँ पे ज़्यादा मन लगता है इन कंपेयर टू मुजफ्फरपुर। एकदम खुला खुला है और कैंपस भी बहुत बड़ा है, मतलब मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मुजफ्फरपुर वाले घर से ज़्यादा यहाँ अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे मेरे ससुराल से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ वाला घर लगता है, बहुत फ्री फ्री सा फील होता है। अभी जा रहे हैं हेल्प करने, वैसे कि यहाँ से अभी थोड़ा सा आपको मैंने घर दिखा देती हूँ, बाहर जाकर और कैंपस दिखाती हूँ। तो ये है कैंपस पूरा, अभी मैं नीचे उतरूँगी तो फिर आपको घर दिखाती हूँ सामने से। और अपनी फिर से कुरकुरे में लग गई है, वॉमिटिंग की हो अभी गाड़ी में, फिर से कुरकुरे खा रही हो सुबह सुबह। मम्मी पूजा कर रही है गाइस, ये है पूजा घर यहाँ का, यहीं पे कुल देवता स्थापित हैं तो पूजा यहाँ पे होता ही है। कोई भी अच्छा फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे पूजा होता ही, एक दिन के लिए आना पड़ता है। तो मम्मी ये इस घर की बहू हुई तो मम्मी पूजा कर रही है पहले, और यहाँ पे ये सारे भगवान जी के फोटोज है, सब कुछ है यहाँ के घर में, सब कुछ सारी व्यवस्था है यहाँ पे। भाभी तो साड़ी पहन के आई है गाइस, दिखाइए तो साड़ी सामने से, चुंदरी प्रिंट साड़ी। हाँ हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पे खेती? यहाँ देखिए पपीता का पेड़ है, कितना सारा पपीता है। ये मेरे चाचा जी का है ये वाला, ये बाउंड्री देख रहे होंगे, ये बाउंड्री है और उस साइड बटवा भाई, ये बाउंड्री है वो चाचा का है, मतलब मेरे अपने चाचा का है। जाती वो नींबू का पेड़ है वहाँ पे, ये इनका गेट है पीछे का, और ये उधर नारियल का पेड़, ये हमारा गेट है, मतलब हम लोग इस गेट से इधर आए पीछे की तरफ। एक्चुअली मेरे पापा दो भाई, मतलब तो मेरे एक चाचा हुए, तो ये वाला जो घर है वो चाचा का है, जो मैं सामने से भी दिखाई हूँ आप लोगों को, और ये जो है वो हमारा है। यहाँ पे बन रहा है प्रसाद, जिसमें आटा को गूंथा गया है, और इस तरीके से इतना बड़ा सा रोटी बनाकर उसको तेल में फ्राई किया गया है, और भाभी उसको ऐसे तोड़ तोड़ के चूर रही है। सच बोलूं गाइस तो मुझे श्रावणी पूजा में क्या होता है, क्या विधि है, कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाएगा, क्योंकि मैं कभी गांव गई नहीं हूँ, और इस टाइम पे मैं कभी रही नहीं यहाँ पे, तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं हमेशा बाहर ही रहती थी, मतलब पढ़ाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, तो नहीं समझ पाई। और ऐसा हुआ है कि जब से शादी हुई है मैं बिहार में रह गई हूँ, तो सारे फेस्टिव मोमेंट अच्छे से देख रही हूँ, समझ रही हूँ। और यहाँ पे ये बांस का ऐसा कट किया गया है, और इसको ध्वजा बोलेंगे, तो ये लगाया जाएगा जहाँ पे खुदाई हो रही थी, आपने देखा होगा। और यहाँ एक जगह चाचा जी का होगा और एक जगह हमारा होगा, तो कुछ इस तरीके का लाल कलर का कपड़ा बांधा। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे ड्यूटी दिया गया है कि प्याज छीलना है और गोभी कट करना है सब्जी बनाने के लिए। और हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये जो बांस होता है उस पर थप्पा मारने के लिए, हाथ का छाप लगाने के लिए सिंदूर में डुबाकर, तो वही किया जा रहा है, तो बुआ ही कर रही है ये प्रोसेस। हम लोग के इधर ना जो भी पूजा पाठ होता है, तो जो भी पूजा पे बैठेगा, जैसे कि अभी भैया बैठने जा रहा है, तो धोती कुर्ता या गमछी के साथ ही पूजा होता है, धोती पहनना होता है इन शॉर्ट। तो पीतांबरी धोती पहना हुआ है भैया, और यहाँ पे मेरी चाची जी थप्पा मार रही है। एक्चुअली मम्मी को करना था, बट मम्मी प्रसाद बनाने में बिजी है, तो वही फिर हुआ कि बुआ ही कर देगी। तो ये मेरी चाची जी हैं जो अपने इधर का पूजा कर रही है। रखा ना,
यहाँ पे फर्श गंदा है तो बच्चों को हम लोग नीचे नहीं छोड़ सकते, बेड पे हैं बच्चे तो बच्चों के पास कोई ना कोई रहेगा हमेशा। और अभी बुआ बैठी हुई थी तो मैं सोची कि टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, फटाफट से गोभी काट लेती हूँ, फिर सब्जी बनाना रहेगा ना, सब्जी कटी रहेगी तो दे दो मम्मी, एक रुपया दे दो। तो गाइस अभी किचन में भाभी यहाँ बना रही है, भाभी भाभी यहाँ बना रही है आलू परवल की सब्जी, और ये हमारा सॉरी आलू गोभी का सब्जी है, सॉरी और ये हमारा किचन है, बाहर लगा ले जाती है पहले लोगों को हम कुछ कराऊंगी तो उसमें सब कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। हाँ हम लोग यहाँ आते बहुत मतलब बहुत 4-5 महीने के बाद ही आ रहे हैं, साल में 1-2 बार आना हो पाता है, तो साफ़ सफाई उतनी नहीं होती समझ सकते हो, आने से 1-2 दिन पहले फ़ोन कर लिया जाता है जो यहाँ पे हैं सफाई करते हैं उनको, तो वो पूरा क्लीन कर देते हैं। ये है किचन, बंद रहता है तो साफ कहाँ से रहेगा, धूल मिट्टी तो आती रहता है ना, कोई रहे तब तो घर साफ रहता है। व्यवस्था सब कुछ है यहाँ पर, A to Z चीज़ है, सिर्फ अभी पानी टंकी लगना बाकी है, वो भी लग जाएगा, वो इसलिए नहीं लग रहा है, वो कहते हैं टालना कि यूज़ नहीं है ज़्यादा, कोई आता नहीं है, 2-3 दिन के लिए भी रहने कोई नहीं आता, तो फिर क्यों, अभी लगेगा आराम से। बाकी सब कुछ अभी लाइट नहीं है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है। गोभी अरे आलू छील के रखा हुआ है, अब मैं जा रही हूँ मैगी बनाने का। मुजफ्फरपुर से निकलते टाइम ही हम लोग मैगी वगैरह ले लिए थे, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो ले लिए थे। और क्या है ना कि जब गांव जाते हैं भैया भाभी मम्मी लोग, तो मसाले वगैरह प्याज लहसुन ये सब यहीं से लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पे ना मार्केट वगैरह जाने का झंझट ना हो, एक दिन की जाने की बात होती है, वहीं पर खाना बनता है, तो जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो यहीं से जाती है, तेल वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो सब कुछ यहीं से ख़रीदा जाता है, जो घटता बढ़ता है वहाँ पर पास में चौक है मार्केट है वहीं से ख़रीद लेते हैं। फ़ोन का बैटरी लो हो रहा है, पावर बैंक लेकर नहीं आई, लाइट नहीं है तो बचा है लगभग 70% बैटरी, उनके पास पता नहीं गाइस क्या है। यही मैगी जो हम लोग घर में बनाते हैं सिटी में उसका टेस्ट, और यही मैगी जो गांव में बना रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, गांव वाला बहुत टेस्टी मैगी बन। अब यहाँ एक तरफ मैगी बनकर तैयार है और दूसरी तरफ आलू गोभी की सब्जी भी हो गया है, सुन रहे वो मोटर का है, तो अभी मोटर चल रहा है, हाँ टंकी नहीं लगा है यहाँ पे, सब जगह पॉइंट दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, बट अभी नल नहीं लगा हुआ है, सिर्फ यही है कि बाहर से पानी लेके आना पड़ता है। यहाँ पे ये पानी आ रहा है, भाभी अंदर में काम कर रहे हैं किचन क्लीनिंग वगैरह का, तब तक मैं सोची जो भी बर्तन वगैरह है वो धो देती हूँ, क्योंकि बर्तन धोना यह बहुत कन्वीनियंट होता है, ये मोटर जब मोटर चला दो जब चाहे, और ये बकेट में पानी भर लो और फिर बर्तन धुल सकता है आराम से। हैंडपम्प से बर्तन धोना रहता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार वो हैंडपम्प चलाओ फिर पानी भरो फिर बर्तन धो, वो थोड़ा सा ये लगता है, बट ये जो है ना इससे मोटर चालू कर दो तो पानी आने लगता है इसमें भर के, और फिर कंटिन्यूस बर्तन धुल जाता है। हम लोग मैगी तो खा लिए थे, भूख तो लगी हुई थी, उसके बाद तुरंत 1 घंटे के बाद ही खाना वगैरह बन गया था, तो मैं हम लोग यहाँ सब लोग खाना खाने बैठे हुए, बुआ मैं भाभी जीतू को भी बीच बीच में मैं थोड़ा खीर वगैरह खिला देती हूँ, पूरी भी खिलाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसको हर एक चीज़ का टेस्ट लगे, बच्चा चूज़ी ना हो खाने के मामले में, तो हम लोग ऐसा डिस्पोजल वाला प्लेट ही यूज़ कर रहे हैं कि बर्तन धोने की झंझट में ही ना पड़े, वो बेटर है ना, खाओ फेंको काम ख़त्म। गाइस अभी हम लोग बरामदा में ऐसी जो चौकी होता है ना, गाँव में चौकी बोलते हैं,
जो लकड़ी का बनता है, और वैसे ही था, ये साफ है। मम्मी इसलिए कल आ गई थी कि ये सब साफ सफाई हुआ है तो थोड़ा उठने बैठने के लिए जगह है, नहीं तो और हालत खराब होती। पहले घर साफ करना होता, फिर पूजा पाठ ये सब। तो अभी वैसे ही लेटे हुए गत्ता उत्ता नहीं निकाला गया, अब कुछ देर में निकलेंगे ही, दो तीन घंटे में। और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं जा रही हूँ घर का ब्लॉग बनाने, होम टूर का। तो ये वाला ब्लॉग को यहीं पे वाइंड अप कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। मुझे ब्लॉग शूट करते टाइम, वीडियो शूट करते टाइम ऐसा लगा। और भाभी यहाँ पे अमरूद खा रही है, चोरी का अमरूद है, पूरा चुरा कर लाई है। पूरा चोरी करके लाई है अमरूद, पेड़ से तोड़ कर लाई है। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को यहीं पे रख देती हूँ, यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और आज का वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और खूब सारा प्यार दीजिएगा और खूब सारा लाइक कीजिएगा। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।